नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, हमें कीर्ति लेकर हाजिर हूँ। खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। सुल्तानपुर के लंबुआ ब्लॉक में बने स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल है। यहाँ पे बने गौरवपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग आसपास के 25 गांवों का भार है। बावजूद इसके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत में सुधार नहीं हुआ। केवल डॉक्टर के चैंबर को छोड़ दिया जाए तो पूरा अस्पताल बद से बदतर है। अस्पताल में रखे बेड और अन्य चिकित्सीय उपकरण खराब हो चुके हैं। पानी की टंकी जब अस्पताल बना था तब से बनी ही नहीं है, लेकिन वहां बिजली कनेक्शन ना होने के चलते आज तक पूरा शुरू नहीं हो पाया है काम। अस्पताल के अन्य कमरे और आवास का भी पूरी तरह से जर्जर हालात है। स्थिति यहाँ की बहुत गंभीर है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इलाज होता नहीं है। यहाँ बगल में ही तातुमरेनी गांव है, जहाँ पे 25-50 के आसपास लोग जो है कोरोना के समय में मर गए हैं। यहाँ पे कोई भी इलाज होता नहीं है कई तरीके से। यहाँ पर जो जितना भी रूम बना हुआ है सब अस्त व्यस्त है, सब खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, पूरा मतलब व्यवस्था यहाँ गड़बड़ है। उसके बाद यहाँ पर कहीं देखो, वहाँ बालू रखा गया है, वहाँ पर जो है भुसौला रखा गया है, वहाँ पर बहुत सारा चीज़ यहाँ पर रखा है, उल्टा सीधा अगल बगल वाले रख दिए हैं, या कोई अस्पताल जैसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। ये लगभग 15-20 साल पहले बना है हॉस्टल, और यहाँ पे आज तक डॉक्टर की पोस्टिंग तो होती है लेकिन कोई आते नहीं है। एक डॉक्टर यहाँ हफ्ते में 2 दिन आते हैं, एक 2 दिन बैठते हैं यहाँ पे। और जो यहाँ मरीज आते हैं उनको सिर्फ दवा पर्ची बाहर की लिखी जाती है, यहाँ कोई दवा उपलब्ध नहीं है। जब उनसे बात किया था इस संदर्भ में, कहते हैं कि कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसानों का आंदोलन पिछले 6 महीने से जारी है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर लगातार सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए डटे हुए हैं, लेकिन सरकार से लगातार बातचीत के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अब एक बार फिर किसान नेताओं के निर्देश पर प्रदेश में किसानों द्वारा धरना प्रदर्शनों का सिलसिला जारी हो चुका है। रामपुर में भी टोल प्लाजा पर किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। किसानों के अनुसार 6 महीने हो जाने के बावजूद सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि किसानों ने ही सरकार बनाई है, लेकिन सरकार को चलाने वाली उद्योगपति हैं, किसानों ने कहा। इसलिए अब किसान सरकार को ढूंढते हुए दिल्ली पहुंच गया है, लेकिन सरकार मिल नहीं रही। वहीं किसानों के लगातार चल रहे इस आंदोलन पर रामपुर के वीर खालसा समिति के जिला अध्यक्ष अवतार सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने खून से पत्र लिखा है, और इस मामले में आगे आकर किसानों से, उनके बड़े नेताओं से बात करके समाधान निकालने की बात कही है। हम धरने पर बैठे हैं कल से। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से भी और किसान मोर्चे की तरफ से भी पूरे उत्तर प्रदेश में आह्वान हुआ, उसी को लेकर, उनके आदेश को लेकर हम यहाँ बैठे हैं धरने पर। सरकार की गलत नीतियों की वजह से, तीनों कानूनों की और MSP पर कानून बनाने की मांग चल रही है, लेकिन सरकार को 6 महीने हो गए। दिल्ली में किसान मोदी जी की नाक के नीचे बैठे हैं और पूरी दिल्ली घिरी पड़ी है सब तरफ से। किसान आज रोटों पे है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब सरकार नहीं जाग रही, ना ही तो उत्तर प्रदेश की और ना भारत सरकार जाग रही है। आज मैंने एक खून से एक लेटर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा है, जिसमें मैंने उनसे विनम्र अनुरोध करा है कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुखिया हैं, और देश का अन्नदाता जो कि 6 महीने से ऊपर आज सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है और उसमें 100 लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो मैंने आज फोन से जो उनको खत लिखा उसमें उनसे निवेदन किया है कि कृपया करके आप आगे आएँ और किसानों के जो मुखिया हैं, प्रमुख हैं, उनसे बातचीत करके ये समस्या का समाधान निकले, जो कि बहुत ही लंबा होता जा रहा है। किसान भी घरों से बाहर बैठा है, किसान और सरकार की भी चिंता है किसानों के हित के लिए। तो मैंने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने खून से लेटर लिख के दिया है कि आप इसमें आगे आएँ और इस समस्या का समाधान निकालें, खुशी खुशी किसान घर वापस जाए और आपकी सरकार भी राहत। बस्ती के SP आशीष श्रीवास्तव ने गौर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने परिसर के साथ ही बंदी गृह की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया, साथ ही कोरोना को देखते हुए इंस्पेक्टर को साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश भी दिए।
तो एसपी ने थाने का निरीक्षण किया। बस्ती में साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर एसपी ने यह निरीक्षण किया और वहीं गंदगी पाए जाने पर या किसी तरह से कोई भी व्यवस्था सही ना होने पर उन्होंने सख्त से सख्त निर्देश पारित किए हैं। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड के बाद बदायूं में भी पुलिस अलर्ट पर है। एसएसपी संकल्प शर्मा के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ने शराब के ठेकों पर चेकिंग अभियान चलाया। शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस का कहना है कि शराब की दुकानों पर चेकिंग आगे भी जारी रहेगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार देर रात यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। सूचना पर थाना डॉकी पुलिस और एक्सप्रेसवे कर्मी पहुंचे। इस हादसे में 13 लोग घायल हुए हैं जिन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बता दें कि फरुखाबाद से 75 सवारियों को लेकर बस जयपुर जा रही थी। डाका थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अचानक दौड़ती बस के पीछे टायर निकल गया, इससे बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस वे पर कई बार पलटी खा गई, बाद में डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों की सूचना पर थाना पुलिस और एक्सप्रेस वे के कर्मचारी पहुंचे। पुलिस ने बस में फंसी सवारियों को बाहर निकाला। 108 की सूचना पर एम्बुलेंस भी बुलाई गई, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। औरैया के इरवा कटरा पुलिस द्वारा अलीगढ़ के शराब कांड के बाद पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बियर, अंग्रेजी शराब और देसी शराब पर पुलिस लगातार अभियान चलाकर छापेमारी कर रही है। साथ ही बारकोड को भी स्कैन किया जा रहा है और बोला गया है कि ठेके पर अगर किसी भी प्रकार की शराब खाली बोतल बरामद हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत के बाद शाहजहांपुर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिला प्रशासन ने पुलिस और आबकारी विभाग की टीम के साथ शराब के ठेकों पर छापेमारी की और नकली और की बिक्री ना होने देने का लोगों को सुनिश्चित किया। जिस तरीके से आबकारी विभाग और पुलिस टीम शाहजहांपुर जनपद के सभी सरकारी ठेकों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, इससे शराब विक्रेताओं और ठेकेदारों में हड़कंप सा मच गया है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर से देहात तक शराब की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने शराब का स्टॉक, बिक्री का ब्यौरा और बारकोड आदि की जाँच की। ज्वाइंट अभियान चला है जिसमें आबकारी विभाग, पुलिस विभाग और ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ है और इसी क्रम में हमने सदर बाजार में नीम शराब की दुकान, लाल इंडी पास में यहाँ नीम शराब की दुकान और बारूदेही मोहल्ले में एक देसी शराब की दुकान देखी है और इनमें हम लोगों ने ये चेक किया है कि कहीं कोई एडल्ट्रेशन या कोई नकली शराब तो नहीं बिक रही है और इसकी ट्रूथनेस जो है, सत्यता किस लेवल तक है, सही है कि नहीं है, कहीं कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई ऐसी टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं इसमें ऐड है या अलग से कोई तो नहीं बेचा जा रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने दुकान। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौत के बाद प्रदेश सरकार इन कारोबारों में संलिप्त लोगों के खिलाफ शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में लखनऊ पुलिस ने चेकिंग के दौरान 300 से ज्यादा वैध शराब की पेटी के साथ तस्कर को सीतापुर बाईपास के पास से गिरफ्तार किया। जहरीली शराब से मौत के बाद लगातार शराब तस्करी पर शिकंजा कसा जा रहा है। मैनपुरी के भोगांव में पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान में प्रभारी निरीक्षक विजय गौतम और एसओजी प्रभारी निरीक्षक द्वारा छापा मारा गया, जहां से एक मकान में भारी मात्रा में लगभग 5000 लीटर कच्ची शराब और लहन बरामद की है, जिसके बाद उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। वहीं इसके साथ ही अन्य ठिकानों पर दबिश दी गई और एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली थाना इलाके में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि निमंत्रण में शामिल होने गए आभूषण व्यापारी और उसके साथी को लूट के बाद बदमाशों ने गोली मार दी। बेखौफ बदमाश लूट की घटना को अंजाम देकर
मौके से फरार हो गए। वहीं गोली लगने से घायल दोनों युवकों को गंभीर हालत में डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया है। भारी पुलिस बल के साथ एएसपी पूर्वी जिला अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी लेते हुए जांच में जुट गए हैं। मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में आशिक ने महिला के घर में घुसकर जमकर बवाल मचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आशिक नशे में चूर होकर अंगूर की पेटी महिला के लिए लेकर उसके घर पहुंचा और उसे ले जाने की जिद करने लगा और उसी दौरान महिला के पति से उसकी हाथापाई भी हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। आगरा के थाना मालपुरा के अंतर्गत गांव धनौली में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि युवक की आत्महत्या करने के पीछे दोनों पड़ोसियों का आपसी विवाद बताया गया। वहीं मृतक की पत्नी ने बताया कि वो घरों में झाड़ू बर्तन करने का काम करती है। उसके ससुर और पति घर पर थे। पड़ोसियों ने सुबह पहले उसके पति और ससुर के साथ मारपीट की, उसके बाद में शाम को फिर दोबारा से उनके साथ मारपीट की, जिसके आहत होकर उसके पति ने फांसी लगा ली। सूचना मिलते ही थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना अमलपुरा के धनौली चौकी क्षेत्र में ये यहाँ पर ईश्वरी नाम की व्यक्ति, जिस उम्र 40 से 45 वर्ष की है, वो उन्होंने शायद प्रथम दृष्टा ऐसा लग रहा है जैसे सुसाइड किया है और अभी बॉडी पीएम के लिए भेज दी है और पीएम के बाद ही पता चल पाएगा काज ऑफ डेथ क्या। अलीगढ़ में जहरीली शराब से कई मौतों के बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी क्रम में फिरोजाबाद पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। टुंडला में ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम सीओ ने आबकारी विभाग के साथ चेकिंग अभियान चलाया। एसडीएम डॉक्टर बुशरा बानो और सीओ अभिषेक श्रीवास्तव ने आबकारी निरीक्षक खगेंद्र वर्मा के साथ पचोखरा नगला बीच में कई दुकानों पर चेकिंग की। नगला बीच में और नगला ईश्वरी मार्ग पर अंग्रेजी शराब की दुकान पर स्टॉक में खामी मिलने पर आबकारी विभाग ने उन पर जुर्माना भी लगाया। कौशाम्बी के सराय अकेल कोतवाली के बसुहार गांव में चुनावी रंजिश के चलते पूर्व प्रधान ने अपने समर्थकों के साथ जमकर बवाल काटा। आरोप है कि सरकारी गल्ले की दुकान की जांच करने आई टीम के सामने ही पूर्व प्रधान व उसके समर्थकों ने सच बोलने पर कार्ड धारकों को जमकर पीट दिया। लाठी डंडे व कुल्हाड़ी से लैस हमलावरों ने 6 कार्ड धारकों को पीट कर घायल कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए घायलों को इलाज के लिए भेज घटना की जांच में जुट गई है। गाजीपुर के सैदपुर तहसील में स्थानीय प्रशासन शराब की दुकानों की सख्ती से चेकिंग कर रही है। अलीगढ़ शराब कांड के बाद प्रशासन सख्त हो गई है और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। शासन के निर्देश पर सभी शराब की दुकानों और ठेकों पर स्टॉक का मिलना भी लगातार जारी है, जिससे मिश्रित या जहरीली शराब नहीं बिकने पाए और जान माल की हानि होने पर रोक लगाने के लिए ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।